दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कथा बहुत ही अच्छी है, सुनकर लाइक जरूर करें और शेयर करना तो ना भूलें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है राक्षस की वासना और ब्राह्मण की पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक दुष्ट असुर कामवान से पीड़ित होकर वहां आ गया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदर स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। सज्जनों, तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया। अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तब शिव परायणा वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नाम का जाप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, वर मांगो। ऋषिका बोली, हे महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिके, तुमने जो जो वर मांगे उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर भगवान शिव को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां पहुंच गए और प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी का वचन सुनकर उस साध्वी ने इसे स्वीकार किया। शिव जी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव शिवलिंग में अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया जहाँ शिव जी नंदीकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पापों को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वह ग्रहण करती हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।